हाँ तो गाइस, ऐसा सुनने को आ रहा है ना, मतलब कुछ ज्ञानी यूट्यूबर्स है जो ऐसा कह रहे हैं कि बहुत जल्द फ्री फायर का इंडियन वर्जन आने वाला है। हाँ, इंडियन वर्जन आने वाला है फ्री फायर का। मतलब साला, तुम्हारी कंपनी यहाँ पे वैलेंटाइंस डे मना रही है और तुम्हें पता नहीं कहाँ से ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल गया कि फ्री फायर इंडियन वर्जन निकाल रहा है। मतलब बोलने वाले भी दीवाने, सुनने वाले भी दीवाने। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। गाइस, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार, कैसे हो आप सब? तो गाइस, यहाँ पे यार मतलब कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकल के आया है। नहीं, मेरे साइड से नहीं निकल के आया। मैं जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो 99.9% करेक्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकल के आया है ना, वो फ्री फायर के कुछ ज्ञानी यूट्यूबर्स की तरफ से आया है जो बिना आंख पैर और आजकल बिना दिमाग के भी वीडियोस डालने लगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो फ्री फायर का इंडियन वर्जन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताने से पहले गाइज मैं आप सभी को ना मतलब एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे ना कुछ फ्री फायर की ज्ञानी यूट्यूबर्स गाइस, मतलब वो अब अपनी वीडियो में ऐसा कह रहे हैं ना कि देखो गाइस, यहाँ पे जो फ्री फायर है वो बैन नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारा गेम सिंगापुर बेस्ड कंपनी गेम है। पबजी बैन हुआ क्योंकि भाई साहब वो एक चाइनीज कंपनी का गेम है, इस वजह से बैन हुआ। तो मैं उन सभी को यही बोलना चाहता हूँ, उन सारे ज्ञानी यूट्यूबर्स को, कि देखो भाई, सबसे पहले ना तुम अपने डीलर को चेंज करो यार। मतलब ये जो तुम सस्ते गांजे फूंक रहे हो ना, ये गलत बात है, सेहत के लिए हानिकारक है, तो कृपया ऐसा ना करो। और हाँ, थोड़ा सा ना होमवर्क करके आया करो। अरे रुको रुको गाइस, मतलब कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ, बस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना आप सभी को। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप में से किसी को भी यूसी वगैरह खरीदना है ना, तो बहुत अच्छा टाइम है। कोडा शॉप लेकर आया है एक काफी कमाल का ऑफर। ऑफर में क्या है तो गाइज, अगर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है कोडा शॉप का, उसके थ्रू कोडा शॉप के वेबसाइट पे जाते हो, यूसी परचेस करते हो, तो आपको 40% तक का बोनस यूसी मिलेगा। हाँ, 40% तक का, साथ ही साथ आपको कैश बैक भी मिलेगा। ये ऑफर 15 फरवरी 2022 से शुरू हो चुका है और खत्म होगा 25 फरवरी 2022। बस यार चंद दिन रह गए, तो ऑफर का लुत्फ उठा लो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही जाना है, वरना ऑफर का कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है? अब जो लोग भी न्यू है यार, जिनको यूसी वगैरह खरीदना नहीं आता है कोडा शॉप से, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे यूसी खरीद सकते हो। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको वो कोडा शॉप के वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे BGMI आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आगे आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल देना है, कितना का यूसी खरीदना है वो डाल देना है, पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है, बाय नाउ पे क्लिक करो, एक बार सब चीज कंफर्म कर देना, एंड दैट्स इट। कंफर्म करो एंड भाई साहब यहाँ पे आपका पेमेंट हो गया। अब यार यूसी नहीं आया तो घबराना नहीं, एक बार गेम को रीस्टार्ट कर लेना। और हाँ गाइज, याद रखना, ऑफर्स के लुफ्त उठाने के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे ही जाना। और हाँ, कब क्या ऑफर आ जाए भाई नहीं पता, तो उसके लिए क्या करना, जाओ यार कोडा शॉप के इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, दैट्स इट। खैर छोड़ो यार, अब मतलब क्या कर सकते, जवाब तो देना ही पड़ेगा। मतलब ये भौंकते तो अब भौंकने दो। अब वो कहावत है ना यार कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है। तो खैर, जिनको भी ये लगता है कि पबजी एक प्रॉपर चाइनीज गेम है जिसके कारण गवर्नमेंट ने बैन लगाया था उस पे, तो चलो आओ ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ तो भैया, जितने भी ज्ञानी यूट्यूबर्स हैं फ्री फायर के, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फ्री फायर के फैंस जिनको ये लगता है कि पबजी एक चाइनीज गेम था, तो मेरे भाई ध्यान से स्क्रीन को देखना, ठीक है? चलो, नहीं दिख रहा है ना तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अरे आपके लिए कुछ भी यार, मतलब चलो। अब देखो गाइस, यहाँ पे है ये प्लेयर अनोन्स बैटल ग्राउंड, बेसिकली ये है पबजी PC, ठीक है? बता देता हूँ पहले ही, तो इस गेम के डिजाइनर थे ब्रैडन ग्रीन, ठीक है? अब ये छोड़ चुके हैं, अब कोई और आ चुका है, ठीक है? तो ये इस गेम के डिजाइनर थे जो कि चाइनीज नहीं है, ओके? अब बात आती है पब्लिशर। तो पब्लिशर में क्राफ्टोन, पबजी कॉरपोरेशन, एक्सबॉक्स गेम स्टूडियो एंड मोर, ठीक है? ये है पब्लिशर्स। अब आते हैं डेवलपर्स। तो डेवलपर्स में है क्राफ्टोन,
पबजी कॉरपोरेशन, लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियो। ठीक है, तो ये है पबजी पीसी, कहीं से भी चाइना का कोई लेना देना नहीं। अब आते हैं पबजी मोबाइल, है ना, यहाँ पे भी स्क्रीन बड़ा है, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, आपके लिए कर रहा हूँ सब चीज़। तो आते हैं गाइस यहाँ पे, सो बेसिकली ये गेम कब रिलीज हुआ है, 9 February 2018, सब जानते हो। अब यहाँ पे सीरीज प्लेयर अनोन्स बैटल ग्राउंड, बेसिकली पबजी मोबाइल पबजी पीसी का एक कंप्रेस्ड वर्जन है फॉर मोबाइल यूजर्स। ओके, अब आते हैं पब्लिशर क्राफ्टोन, टेंसेंट गेम्स, ठीक है, वीएनजी गेम पब्लिशिंग, लेवल इन्फेनाइट, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अब आप बोलोगे कि भाई टेंसेंट है, देखो टेंसेंट मतलब गेम चाइना का हुआ। अबे नहीं, यहां पे आओ, ये है द इकोनॉमिक टाइम्स। ओके, ठीक है, देख लो ये आर्टिकल उनका है। अब गाइज यहां पे देखो, चाइनीज गेमिंग एंड सोशल मीडिया जायंट टेंसेंट इज करेंटली क्राफ्टोन्स सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर विथ 15.35%। ठीक है, मतलब पबजी मोबाइल में सिर्फ 15% या 15.5% आप मान के चलो, इतना ही स्टेक है, इतना ही शेयर है। ठीक है, और इतने शेयर से कोई कंपनी का ओनर नहीं बन जाता है। ठीक है, अगर गाइज यही 15.35% के जगह 50%+ होता, तब तुम लोग सब जो ज्ञानी यूट्यूबर्स है वो कह सकते थे कि हाँ टेंसेंट असली ओन करता है, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है। यार यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स टेंसेंट के पास नहीं है, टेंसेंट एक जस्ट पब्लिशर है। टेंसेंट क्या किया है अच्छे से समझो, जब पबजी पीसी पीक पे था और काफी सक्सेसफुल गेम बन गया था, तो टेंसेंट एक ऑफर लेके गया था पबजी वालों के पास, क्राफ्टोन वालों के पास, कि हम आपके इस पीसी वर्जन को मोबाइल वर्जन में लाना चाहते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को आपका गेम, मतलब आपके गेम को पहुंचाना चाहते हैं। तो यहीं पर सारा सीन होता है, क्राफ्टोन इन चीजों पे रेडी हो जाता है और टेंसेंट उनके गेम को पब्लिश करता है फॉर मोबाइल यूजर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि गेम चाइनीज हो गया, गेम एक कोरियन कंपनी का है, साउथ कोरियन क्राफ्टोन कंपनी का गेम है। टेंसेंट थोड़ा बहुत शेयर रखता है, जाहिर सी बात है कि उसने पब्लिश किया है तो उसके पास शेयर होगा, और गवर्नमेंट ने इसीलिए गेम पे बैन लगाया क्योंकि टेंसेंट थोड़ा भी शेयर, एटलीस्ट थोड़ा भी तो शेयर रखता है ना, तो हो सकता है कि हमारा डेटा सिक्योर ना हो, जितने भी लोग खेलते हैं हमारे, जो भी मतलब प्राइवेसी वगैरह है वो सिक्योर ना हो, वो टेंसेंट के पास जाता हो एंड फिर उसका मिसयूज होता हो। तो इसी वजह से देश की जो गवर्नमेंट है उसने पबजी मोबाइल पे बैन लगाया था से ठीक 2 साल पहले, September 2, 2020 को। समझ गए, अच्छे से होमवर्क करके आया करो यार ज्ञानी यूट्यूबर्स, बुरी बात। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, फ्री फायर बैन क्यों हुआ, क्योंकि फ्री फायर में टेंसेंट का 25% का शेयर है, पबजी में तो सिर्फ 15 ही था भाई तब बैन लग गया, फ्री फायर में तो 25% शेयर है, तब इसीलिए गवर्नमेंट ने बैन लगाया। अब तुम बोल रहे थे कि यार मतलब जब पबजी बैन हुआ तब क्यों फ्री फायर बैन नहीं हुआ, क्योंकि फ्री फायर वाले छिपा रहे थे, फ्री फायर वालों ने कहीं पे भी ये चीज़ बताया नहीं है कि टेंसेंट हमारे कंपनी में 25% हिस्सेदारी रखता है, ये कहीं नहीं बताया गया था। लेकिन भाई गवर्नमेंट से कब तक छिपाओगे, पता चल गया तो बैन लगा दिया। समझ गए, ये सब चीज़ें होता है, तो पूरे अच्छे से देख कर आया करो कि क्या हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फ्री फायर एक चाइनीज गेम है, क्योंकि 25% से भी कोई कंपनी ओन नहीं करता, लेकिन हाँ प्राइवेसी डेटा ये सब सिक्योर नहीं है, चाहे 5% का शेयर हो, 15% का हो, 25% का हो, या पूरा 100% का ही क्यों ना हो, डेटा सिक्योर नहीं है तो बैन होगा। समझ गए। अब गाइस बात आता है कि क्या फ्री फायर का इंडियन वर्जन आ रहा है। देखो कोई न्यूज नहीं आया है ऑफिशियली, ना फ्री फायर वालों के तरफ से आया है, फ्री फायर वालों ने तो अभी तक अपने जो यूजर्स उनको ये तक नहीं बताया कि हमारा गेम बैन हो गया, जबकि गेम ऑफिशियली बैन हो चुका है, गवर्नमेंट ने सब चीज क्लियर कर दिया है, लेकिन फ्री फायर वाले पता नहीं कहाँ वैलेंटाइंस डे मना रहे भाई, इनका वैलेंटाइंस डे खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है भाई, आई डोंट नो। तो वेल देखो, अगर इन केस भी फ्री फायर का इंडियन वर्जन आता है तो इतना आसान नहीं होने वाला है, 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने में नहीं आ जाएगा भाई, बहुत टाइम लगने वाला है। अगर BGMI का एग्जांपल लेते हो तो BGMI 1 साल लगाया अपने इंडियन वर्जन को लाने के लिए, और जब गेम बैन हुआ उसके इमीडिएटली BGMI वाले इन्फॉर्म कर दिए थे अपने सारे यूजर्स को, लेकिन फ्री फायर वाले तो पता नहीं भैया कहाँ वैलेंटाइन डे मना रहे, अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, कोई भी ट्वीट नहीं आया, क्या चल रहा भाई, समझ ही नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे देखो अगर फ्री फायर का इंडियन वर्जन आता है तो भाई लंबा टाइम लगेगा। देखो ऐसे इंडियन वर्जन नहीं आता है, गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को समझाना पड़ता है, गवर्नमेंट परमिशन दे दिया तो उसके बाद उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि BGMI वाले, क्राफ्टन वाले 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए थे इंडिया में और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए भी। उसके बाद अपने कंपनी में इंडियन यूजर्स, जितने भी मतलब इंडियन मैनेजर हो या सब कोई इंडियन थे, उनके हेडक्वार्टर वहाँ सब चीज़ इंडिया में सेटअप हुआ, हर एक चीज़ इंडिया में सेटअप हुआ। तो इस प्रोसेस में 1-2 दिन नहीं लगता है या 1-2 महीना नहीं लगता है, लंबा टाइम लगता है। तो फ्री फायर का अगर इन केस इन फ्यूचर इंडियन वर्जन आता भी है तो उसको पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, उसको इन्वेस्ट करना होगा, इंडिया में अपने कंपनी को सेटअप करना होगा, हर चीज़ हर एक चीज़ इंडिया में करना पड़ेगा। जो भी डेटा है यूजर्स का, जो भी प्राइवेसी है, वो सब इंडिया के सर्वर पे स्टोर होंगे, गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किया जाएगा, तब जाके फ्री फायर का इंडियन वर्जन आएगा और आप सब जो फ्री फायर के फैंस हैं वो खेल पाएंगे। तो ऐसा होगा ये सारा प्रोसेस, 1-2 दिन का बात नहीं है। पहले यार उनको वैलेंटाइन डे मना लेने दो, पहले इन्फॉर्म तो कर देने दो यार, फ्री फायर वाले तो सो रहे, अपने कंपनी को ट्वीट ट्वीट करो यार, जगाओ, क्या कर रहे हैं वो। अब देखो गाइज एक लास्ट चीज मैं फिर से बता दूं, ये बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि बार बार ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर फ्री फायर बैन हो गया है तो अभी तक उसके सर्वर्स बंद क्यों नहीं हुए, गेम क्यों चल रहा है। तो देखो गाइज मैं ये बता दूं, फिर से बता दूं कि सर्वर्स चल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि गेम बैन नहीं हुआ है, सर्वर्स अभी चलेंगे। क्योंकि पबजी के साथ भी सेम सिनेरियो हुआ था कि जब पबजी बैन हुआ था उसके सर्वर्स एक महीने तक चला था। तो वैसे ही कुछ सीन फ्री फायर के साथ भी होगा, इसके भी जो सर्वर्स है वो इतनी जल्दी बंद नहीं होंगे, टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो हैव सम पेशेंस, ओके। एंड बाकी यार इतना ही है, जो भी था मैंने क्लियर कर दिया है। एंड ऐसे ही और भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे मिलेगा कुछ ज्ञानी यूट्यूबर्स के तरफ से तो उसका मतलब जवाब आपका भाई देते रहेगा, ठीक है। वेल वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली सभी लोग लाइक जरूर कर देना और फ्री फायर के फैंस आप भी लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि देखो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलेगा। क्योंकि बाकी जो लोग हैं भाई कुछ भी चल रहा उनका तो रहने दो, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को क्लिक कर लो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। और हाँ कुछ कमेंट्स वगैरह मैं देख रहा था यार, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई तू BGMI पबजी का न्यूज़ व्यूज़ नहीं दे रहा। तो देखो यार अभी कुछ भयंकर सा तड़कता भड़कता ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ आ नहीं रहा उसमें, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा वो मैं मतलब समझ रहे हो ना, तो मिर्च मसाला आने दो, फिर आपका भाई लेकर आता है ना एक से एक बढ़कर न्यूज़, तो डोंट वरी, ओके। एंड शेयर करो सभी के साथ ये वीडियो, क्योंकि भसड़ मचाना है कमेंट सेक्शन में भी, और जो भी करना है कर दो यार प्लीज, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।